गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा दो बिग सरप्राइजेस की, जो कि मुझे स्टीलबर्ड इंडिया ने भेजा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच स्टीलबर्ड इंडिया फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट टू मी। एंड चलिए शुरू करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टीलबर्ड का ये SBA 6 हेलमेट, और इसका जो मॉडल है वो है फ्यूज। और दूसरा जो हेलमेट है जो कि मुझे स्टीलबर्ड ने भेजा है वो है ये ईला मॉडल है। ये गर्ल्स के लिए है एंड ये बॉयज़ के लिए है। और इसका जो कलर मैंने प्रिफर किया था, जो मैंने मंगवाया है, वो है मैट ब्लैक। और इसका जो वाइजर है वो है ग्लॉसी वाइजर। और ये जो कलर है ये है मैट मैरून कलर, और इसका जो वाइजर है वो है ग्लॉसी। तो इसका जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि है SBA का फ्यूज़। और इसका जो साइज मैंने मंगाया है वो है 60 सेंटीमीटर, ये सबसे लास्ट साइज है। और इसको हम खोल के देखते हैं, तो इसमें हम लोग को मिलता है ये बुक, जो कि टाइटल है जिसका कन्हैया से कन्हैया तक। और इसको अभी हम साइड रख देते हैं। और इसके साथ ही हमको मिलता है ये हेलमेट, जो कि एक अच्छे से फोम में पैक होके आता है। और साथ ही में हमको मिलता है इसका जो एयर वेंट है इस हेलमेट का, उसके कुछ कवर्स मिलते हैं हमको साथ में, जैसे कि ठंडी का टाइम है या फिर आप लोगों को बारिश में कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए हमको ये मिलते हैं, ताकि हम जो इसके वेंट्स हैं उसको कवर कर सकें। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। तो इसका जो बॉक्स है इसको हम रख देते हैं साइड में। तो बात करते हैं इस हेलमेट की, और अब इसको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। वाओ, लुक एट इट मैन। इसमें इतने सारे एयरबड्स दिए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जैसे समर में कोई राइड करनी है तो उसमें आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा। और इसको आप बेसिकली डे टू डे आप यूज़ कर सकते हैं कम्यूट करने के लिए, ऑफिस या फिर कहीं आपको बिजनेस पे जाना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हेलमेट है, और ये हाफ फेस हेलमेट है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये सिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके लुक्स की। तो आप देख सकते हैं ये हेलमेट देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है और काफ़ी स्पोर्टी है, और जो इसकी फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो मैट ब्लैक कलर है वो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और बात करते हैं इसके वाइज़र की। तो जो इसका वाइज़र है वो है स्मोकी वाइज़र, जो कि ब्लैक टिंटेड है। और इसकी मैं कवरिंग हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो इसके वाइज़र पे कवरिंग थी वो मैंने हटा दी है, उस पर नॉर्मल से यूज़र इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, अगर आप मंगाते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं इस हेलमेट का एक्चुअल लुक। ये हेलमेट देखने में काफ़ी स्पोर्टी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको 360 रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ पूरा लुक इसका। तो फ्रेंड्स, पीछे इस हेलमेट पे आपको SI मार्क मिल जाएगा, और नीचे आपको मिल जाएगा इस हेलमेट का जो भी साइज होगा वो आपको पीछे मिल जाएगा। और बात करते हैं इसके वेंट्स की। तो यहाँ पे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वेंट्स हैं इस हेलमेट पे। काफ़ी वेंटिलेशन सिस्टम जो है इसका काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे एक आपको मेन वेंटिलेशन सिस्टम मिल जाता है ऊपर, जो कि आप इसको जो है ओपन क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ठंडी में या फिर बारिश में राइड करना है। और साथ में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसके साथ मिलते हैं ये कुछ इसके साथ कवर्स मिलते हैं, इसके जो वेंटिलेशन सिस्टम है इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह के आपको ये मिल जाएंगे इसके कवर्स, और मैंने कभी लगाया नहीं है तो इसको हम लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप इस हेलमेट पे ये जितने भी इसके एयर वेंट कवर्स हैं उसको आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, ताकि जैसे आप कभी ठंडी में या फिर कभी बारिश में राइड कर रहे हैं तो उसमें जो है पानी अंदर ना जाए। और इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। और यहाँ आप साइड में देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छा सा मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे इस हेलमेट को ओपन करने के लिए, तो वो भी मैं खोल के देख लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको दोनों साइड स्क्रू टाइप के मिलते हैं, जो कि आप हाथ से ही ओपन कर सकते हैं। काफ़ी इजी है इसका जो वाइजर है उसको हटाना।
मैंने ये लोग दोनों इसको हटा दिया है और आप देख सकते हैं जो इसका वाइज है वो काफी इजीली निकल आया है और अभी मैं इसको वापस लगा देता हूँ। इसको निकालना और लगाना काफी इजी है, बस कुछ नहीं करना है आपको। ये दो स्क्रू टाइप के दिए हुए दोनों साइड, उसको बस आपको टाइट कर लेना है। तो ये हो गया इसके वाइजर की बात। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की जो पैडिंग है, तो अंदर की पैडिंग आप इसकी देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है और कुछ ब्लूइश कलर में भी है और लुक एंड फील में काफ़ी सॉफ्ट है। और इसको जो है अब हम पहन के देख लेते हैं ये हेलमेट कैसा है। तो चलिए अब इस हेलमेट को पहन के देखते हैं और देखते हैं कितना कम्फर्टेबल है और कितना देर है। तो फ्रेंड्स फिटिंग की बात करें तो ये हेलमेट काफ़ी अच्छा है, बट मेरा जो हेड साइज़ है वो 610 mm या 620 mm है। तो बेसिकली ये हल्का सा छोटा है मेरे हेड साइज़ के हिसाब से, लेकिन वैसे ये फिटिंग काफ़ी ठीक है और आप देख सकते हैं इसका जो लुक है पहनने के बाद। तो अभी हम चलते हैं एक छोटी सी राइड पे और उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये हेलमेट कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसका जो एयर वेंटिलेशन सिस्टम है वो कैसा है, प्रोस एंड कॉन्स इस हेलमेट के क्या है, विंड ब्लास्ट कैसा है, तो वो मैं आप लोगों को अभी चल के दिखाता हूँ। चलिए तो गाइज अभी मैंने बाइक लगभग 9 से 10 किलोमीटर चलाई है इस हेलमेट को पहन के और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा ये हेलमेट और काफ़ी लाइट वेट है। बिल्कुल आपको हेड पे फील नहीं होगा कि आपने हेलमेट मतलब इतना हैवी लुक वाला हेलमेट आपने पहना हुआ है। और जो इसका विंड ब्लास्ट है, जो इसकी नॉइज़ है, वो भी इसमें काफ़ी कम आती है और आपको काफ़ी अंदर से फील होगा कि काफ़ी एयरी है ये हेलमेट। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्मोकी वाइज़र लेते हैं तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि नाइट में आपको क्लियर विजन मिलेगा, क्योंकि जो इसका वाइज़र है काफ़ी डार्क है और काफ़ी डेंस है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं दिन का टाइम है, तब भी मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है हेलमेट के अंदर से। तो अगर आपको डे के मतलब दिन में यूज़ करना है इस हेलमेट को तब से काफ़ी अच्छा है, और अगर आपका दिन और रात दोनों का पर्पस है इस हेलमेट को यूज़ करने का तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लियर वाइज़र का ऑप्शन लीजिए, क्योंकि क्लियर वाइज़र में क्या होगा, दिन में तो आप यूज़ कर ही सकते हो और रात में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बाकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस हेलमेट की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी कम्फर्टेबल है और आई होप कि आपको भी हेलमेट अच्छा लगे। बाकी अगर इसको बात की जाए इसके वैल्यू फॉर मनी की, तो ये हेलमेट अराउंड आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन आप लेते हैं तो 1299 या 1250 के अराउंड आपको मिल जाएगा। जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अ बिग थैंक यू टू स्टीलबर्ड फॉर सेंडिंग मी सच अ ग्रेट हेलमेट। एंड अगर आपको इस हेलमेट से रिलेटेड कुछ भी जानना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।